नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल हमारा बिहार। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित किया 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज। जी हां, आपने सही सुना, गरीब किसानों के लिए 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के दौरान पांचवीं बार राष्ट्र को संबोधित किया है। पीएम ने सोमवार को कोरोना वायरस को लेकर राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ 6 घंटे तक मंथन किया था। तो आइए बताते हैं कि पीएम मोदी ने क्या क्या बड़ी बातें कही है। पीएम मोदी ने कहा है कि ये बिजनेस और निवेश को प्रोत्साहित करेंगे और मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा देंगे। उनका कहना था कि ये संकट इतना बड़ा है कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं हिल गई है। इस समय हमारे देश ने हमारे श्रमिक कामगार भाइयों बहनों के संयम के भी दूरदर्शन किए हैं। अब हमारा कर्तव्य है कि उनके लिए काम करने का किया जाए। सारी दुनिया जिंदगी बचाने में एक प्रकार से जंग में जुटी। कहा कि कल से आने वाले कुछ दिनों तक वित्त मंत्री इस पैकेज के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। आपने अनुभव किया है कि बीते 6 सालों में जो रिफॉर्म हुए हैं उससे भारत की अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम और अधिक समर्थ नजर आई है। वरना कौन सोच सकता था कि भारत जैसे जो पैसे भेजेगी वो पूरी तरह से गरीब के जेब तक पहुँच जाएगा। मानव को मंजूर नहीं है, सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। आज जब दुनिया संकट में है तब हमें अपना संकल्प। पीएम मोदी ने कहा कि रेशनल टैक्स सिस्टम, समर्थ और सक्षम ह्यूमन रिसोर्स, मजबूत फाइनेंस के लिए रिफॉर्म हो। उनका कहना था कि आज मैं एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूँ, ये आत्मनिर्भर अभियान की अहम कड़ी का काम करेगा। आरबीआई पैकेज और इसे जोड़ दें तो अपना संकल्प और मजबूत करना होगा। विशेष आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की, जो भारत की कुल जीडीपी का 10% के आसपास है। पीएम ने कहा, इससे भारतीय उद्योगों को सिंबल मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत अवलैंड लेबर, लिक्विडिटी और लॉ, सभी पर इसमें बल दिया गया है। पीएम ने कहा कि कुटीर उद्योग, व्यापार और एमएसएमई के लिए यह पैकेज हो जो हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है, तथा यह पैकेज किसानों और श्रमिकों के लिए मुख्य रूप से। हमें कोरोना से पहले की दुनिया को, वैश्विक व्यवस्थाओं को विस्तार से देखने समझने